अब मैं फटाफट इसको इनको एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ ताकि इन लोग को जो लेट आए वो समझ में आ जाए कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में मैंने बताया कि लैंगिक जनन में जो जनन होता है वो क्या है कि कोई भी कोशिका कोई भी जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाती है उसे हम क्या कहते हैं जनन कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार का मैंने आपको अभी मोटे मोटे तौर पर बताया, एक कायिक प्रवर्धन भी है जिसको मैं बाद में बताऊंगी, क्या ही कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो लैंगिक जनन बताया मैंने कि जहाँ पर कोशिकाएं विकसित जंतुओं में सबसे पहली बार ये होता है, और अलैंगिक जनन प्रिमिटिव या प्राथमिक जीवन में होता है। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। उस किसी भी पार्ट से किसी भी अंग से टूट कर कोई नई कोशिका बन जाती है और वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, इसे उनका अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तुम दोनों को बता रहे हो, तुम लोग लेट आए हो, इन लोग अच्छे समझ में आएंगे और इनको अब और अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि ये लोग दोबारा सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है ना टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है अंशु। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि अलैंगिक जनन के बारे में पहले मैं समझा रही हूँ, तो तीन विधि मैंने बताई कि अमीबा में द्विखंडन विधि होती है, हाइड्रा में मोनुलर होती है, लैनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसको क्या डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, और आपको अभी याद जाएगा, बस आपको रिपीट इसको बार बार प्रैक्टिस में करना है, इम्पॉर्टेंट है ये। आपको मैंने बताया ये घुमा फिरा कर कैसे भी पूछा जा सकता है, देखिए नाइस का कॉलम में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, रिप्ट स्मार्ट में भी आ सकता है, घुमा फिर आगे वही पूछा गया, इसे ही तो एनालिटिकल प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंटेंट को समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अपन कहानी सुना दिया किसी ने अपन को, तो आप किसी से बीच में से पूछा, अपन बट से बता देते हैं क्योंकि अपन ने सुना है समझा है, तो आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आपको घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछेंगे भी तो आप कर लोगे। ठीक है, जैसे पहला क्या था अमीबा में द्विखंडन, नाम से ही पता चलता है, सबसे पहले आपको ये पूछा जाता था द्विखंडन विधि किससे पाई जाती है, अमीबा में, रिक्त स्थान में आ सकता है, बहुविकल्प में आ सकता है या मैल्कोबल। दूसरी चीज द्विखंडन विधि या इसलिए इसमें क्या होता है तो आपको ये करना है, तो आपको ये चीज अच्छे से याद कर लेनी है, ये पूरा मैच। द्विखंडन यानी दो भागों में टूटना, दो भागों में टूटना। अमीबा का स्ट्रक्चर, अब अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है अमीबा के स्ट्रक्चर में क्योंकि इसकी कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती है, आप यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया तुम्हारा अमीबा, इसमें एक केंद्रक बना लो, ठीक है, अब इसमें कोशिका द्रव्य भर लो, ठीक है, द्विखंडन हो रहा है तो अगला एरो बना लो। अगली वाली स्टेप में पहली स्टेप है, दूसरी स्टेप में ये जो उसकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो थोड़ी सी आर्च बनाती है, अंदर की तरफ झुकती है, अंदर की तरफ आप देख रहे हो खुद ही अंदर की तरफ झुकती है, और इसका जो केंद्रक होता है वो लॉन्गी फिलियन हो जाता है, इस तरह थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बना सकते हो ऐसे आराम से? यस मैम। आपको मैंने गर्मियों में भी बोला था इसकी तैयारी करने का, इस बच्चे ने कर भी लिए होंगे, है ना, सर पढ़ाया भी है पहले से। अब इसके बाद अगली स्टेप में ये जो है ना, ये और ज्यादा अंदर की तरफ और ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और ये जो
इसको डिस्क्राइब करिए, तो दो नंबर इसमें दे देंगे, दो नंबर अगर डिस्क्रिप्शन में दिया तो आपको कुछ थोड़ा ना करना है। ये जो मैम बोलते गई ना और जो तुम करते गए उसको तुमको वर्ड्स में लिखते जाना है, कुछ करना है अलग से। आप देखना जो आपकी स्कोरर है आप उसमें देखना, उसमें जो लिखा हुआ है वही लिखा है जो मैंने अभी बोला है, और जो अपन कर रहे हैं वही लिखा है। अब आप पढ़ के देखना आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार तीन नंबर का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई, नहीं है ना, तो मैं समझ जाऊँगी अब तुमको आराम से बन जाएगा। प्रैक्टिस आपको बार बार कॉपी में करनी है, फेयर कॉपी में आप कर लेना, ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद अगला हम पढ़ाएंगे हाइड्रा में, मिटा दें इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी, तुमको अपने आप बन जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ये पढ़ने के बाद। अब हम अगला पढ़ेंगे हाइड्रा में मुकुलन में, हाइड्रा में